डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो हमारा सेट का एग्ज़ाम होने वाला है केमिकल साइंस, उसकी संपूर्ण रणनीति बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अब 19 मार्च से 26 मार्च कर दी गई है, इसलिए आपके पास लगभग 20-21 दिन का टाइम है, जिसके दौरान आप थोड़ी सी एक स्मार्ट स्टडी करके और इसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो जाएँ। जो भी स्टूडेंट एमएससी किए हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है और या उनकी सेकंड ईयर में है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, उन सबको इसका एग्ज़ाम देना चाहिए। और ये एग्ज़ाम जो है, आपको पता है अभी बड़ी वैकेंसी जो कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये 9 साल बाद वापस आपका सेट का एग्ज़ाम बोलो निकाला है। इस बार ये एग्ज़ाम आरपीएससी ने कराकर आपकी यूनिवर्सिटी जो बांसवाड़ा की है वो कराएगी, जिसका जो टोटल प्लान है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम डेट, सबसे मेन चीज़। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है तो एग्ज़ाम डेट अब इसकी 19 मार्च से 26 मार्च कर दी गई है, क्लियर? ओके, थोड़ी चेंज हुई है डेट, ओके। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दो पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों कंटिन्यू होंगे। फर्स्ट पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे और सेकंड पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स है, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स होंगे। और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में गैप नहीं होगा, कंटिन्यूअस 3 घंटे 180 मिनट्स का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। दोनों पेपर के अंदर 40% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये हुआ आपको स्मार्ट स्टडी की तरह स्टडी करना चाहिए। और जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको मेन किन पॉइंट पे फोकस करना है, जिससे आपका काम हो जाएगा, यानी आपको इतनी तैयारी कर लेनी है कि कम से कम 50 क्वेश्चन में से 30-35 के अप्रोच आप बना लो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन तो सारे ही करके आने हैं, लेकिन इतने तो आपके कम से कम राइट होने चाहिए, ओके। तो इसके अंदर मेन एक तो आपको, अगर आपने अभी रीट का एग्ज़ाम दिया है तो फर्स्ट पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आईसीटी आपने अभी प्रिपेयर किया ही है, इसके 2-3 क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये आपका तैयार होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च कितने प्रकार का होता है, सारा आपको जो है इसमें पता होना चाहिए। रीट प्री के अंदर ये टॉपिक था। उसके बाद मूल्यांकन से तो 1-2 क्वेश्चन आने के चांस है, मूल्यांकन, उसके प्रकार, उसके तकनीकी गुण, ओके, वो सारा आपको पता होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप मेरा एक शॉर्ट वीडियो है उसको देख सकते हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी 1 या 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। उसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आपको रीजनिंग प्रिपेयर करना है और सामान्य ज्ञान भी प्रिपेयर करना है, यानी अभी आपने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उन सब में ये आपने प्रिपेयर किया हुआ, इसलिए फर्स्ट पेपर में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है। फर्स्ट पेपर आप इजीली एक बार जो आपने पढ़ा है वो इन कंटेंट को रिवाइज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मेन आपको प्रॉब्लम आ रही है सेकंड पेपर के अंदर, तो उसकी मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ, क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर मैंने बताया है वो तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन जो सेकंड पेपर है आपका, जैसे केमिकल साइंस की बात करें तो इसके अंदर 3 पार्ट आपके हैं, एक इनऑर्गेनिक, एक फिजिकल और एक ऑर्गेनिक। अब क्या होता है दोस्तों, टाइम बहुत कम है, इसलिए मोटे मोटे आपको ग्रंथ, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करना है, सेलेक्टिव पढ़ना है। जो आपको आज तक जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं, जिनमें आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है, उनको मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। एक बात और कि सिलेबस पूरा नेट जैसा है, लेकिन जो कठिनाई का स्तर है वो नेट से थोड़ा एवरेज रहता है, क्योंकि नेट जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पेपर थोड़ा हार्ड आता है, लेकिन सेट के अंदर आप प्रीवियस भी पेपर देखोगे तो थोड़ा लेवल डाउन रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किन टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन देखें, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ओके, तो ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टोटल आपके 12
यूनिट दे रखी है। इन 12 यूनिट के अंदर सबसे पहला टॉपिक है केमिकल पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिक टेबल तो आपको क्लियर होना ही चाहिए क्योंकि उसका तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान पीरियोडिक टेबल होता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना ही चाहिए, यानी ये वाला टॉपिक तो आपको तैयार करना ही है। ये तो इम्पोर्टेंट हो ही गया क्योंकि आपका बेस है ये। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में है, तो आपको वो अच्छे से तैयार करना है। ओके, होम और हीट्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, कि बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये बिल्कुल छोटा सा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, हार्ड एंड बोलो आपका हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी इसके अंदर भी इजी है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, बोलो इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो। मेन ग्रुप एलिमेंट देयर कंपाउंड एलोट्रॉप सिंथेसिस, ये छोटे छोटे से पॉइंट है, इसको भी आप तैयार कर सकते हो। बोलो ट्रांजिशन एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिएक्शन मैकेनिज्म और इनर ट्रांजिशन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, ये दोनों टॉपिक हमेशा नेट में भी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर सेट में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको यहाँ से अभी तक हमें क्या पता चला, एक तो आपको पीरियडिक टेबल तैयार करना है, पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, एसिड बेस वाला तैयार करना वो तो फिर बेसिक है ही है, उसके अलावा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये टॉपिक। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इजीली तैयार कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, इस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोटोसिंथेसिस, ये क्या होते हैं कि जो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन इजी आते हैं। विटामिन B12 है, उसमें कौन सी मेटल होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर बोलो आपका क्लोरोफिल में कौन सी होती है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करने से काम हो जाएगा, क्लियर। उसके अलावा जो मेडिसिन है वो आपको पता होनी चाहिए, उनका भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद करेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IR, रमन, NMR, ठीक है, ये तो आपको छोटे छोटे से तैयार करने हैं। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन फिजन, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करना है थोड़ा सा, क्लियर। तो इनऑर्गेनिक के अंदर अगर हम बड़ा बड़ा सा देखें तो मेनली आपको 6-7 टॉपिक तैयार करने हैं। एक तो आपको तैयार करना पीरियडिक टेबल, दूसरा तैयार करना आपको एसिड बेस वाला, तीसरा तैयार करना आपको डी ब्लॉक, चौथा तैयार करना है एफ ब्लॉक, ओके, और उसके बाद फिफ्थ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके अलावा छोटे छोटे से जो टॉपिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, ये आप बोलो BSc की बुक्स में या MSc की बुक्स में देख सकते हो, जो मैटर दे रखा वहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके, ओके। और आपको थोड़ा सा ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला, यानी इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री का पार्ट है, 12 टॉपिक में से थोड़ा सा सेलेक्टिव मैंने बताया है क्योंकि आपके पास टाइम ही इतना है कि आप सेलेक्टिव स्टडी करोगे तो कूल रहोगे और वहाँ पर अच्छा पोटेंशियल अपना दे पाओगे। अगर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे तो टाइम चूंकि कम है इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे और वहाँ पर आप इजी क्वेश्चन भी गलत कर दोगे, क्लियर। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है, ओके, हमेशा स्कोरिंग होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, सबसे स्कोरिंग होता है, उसके अंदर आपको मेनली ध्यान देना है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ आपको मेन पढ़नी है, ठीक है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको पहले वर्बली ऐसे ही बता देता हूँ, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, केमिकल काइनेटिक बहुत अच्छे से होना चाहिए क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हमारा पहला टॉपिक देखें तो पहला टॉपिक जो है वो आपका सिंपल सा एटॉमिक ऑर्बिटल, आपका स्पिन, ठीक है, यानी आपका थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से लगभग आपके बोलो 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह ये, तो यहाँ पर अपन मोटा मोटा देख लें एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको विद हाइपोथेसिस, विद स्पिन, एंगुलर मोमेंटम,
ठीक है, आपको क्वांटम नंबर सब कुछ क्लियर होना चाहिए, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग आपका बिल्कुल टॉपिक तैयार होना चाहिए, स्पेशली आपको हैकल थ्योरी फॉर कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ओके, यानी केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उसके बाद ग्रुप थ्योरी है, सिमेट्री है, एलिमेंट है, ठीक है, और पॉइंट ग्रुप है, करेक्टर टेबल है, सेलेक्शन रूल है, इसमें ग्रुप थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट, ठीक है, आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी आपको मैंने कहा कि जो MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी भी तैयार करनी है, VBT भी तैयार करनी है, और MOT मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, होमो या हिट्रो दोनों का तैयार करना है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ओके, उनका आपका क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। उसके साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बोलो कलर्ड वाला, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक्स, मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है थर्मोडायनामिक्स टॉपिक ऐसा होता है जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ओके, तो वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने बता ही दिया, स्पेशली नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, केमिकल काइनेटिक ये तो फिजिकल की जान होती है, ये टॉपिक ओके, और ये छोटे छोटे से टॉपिक, देखो दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि हम एक टॉपिक बहुत बड़ा है उसको प्रिपेयर करते हैं, उससे भी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक पॉलीमर जैसा छोटा टॉपिक होता है जिसको हम इजीली 2-3 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे भी एक क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल कौन हुआ, जो टॉपिक छोटा है जिसे श्योर क्वेश्चन आता है, तो ये वाले टॉपिक ऐसे ही है, सॉलिड स्टेट बोलो, डेटा एनालिसिस, पॉलीमर, कोलाइड, क्लियर, सरफेस केमिस्ट्री, तो ये जो 4 टॉपिक है इनसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप इनको एक दिन में ही प्रिपेयर कर सकते हो, 1 डे के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो, इतने छोटे छोटे से टॉपिक हैं, क्लियर। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर हम मोटा मोटा स्ट्रेटजी बनाएं तो आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं फिजिकल के अंदर, सबसे पहले चलो मैं अभी आपको वापस से लिख के बता दूंगा, एक बार सिलेबस में मैंने आपको बताया, क्लियर। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक आपको पढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपकी स्मार्ट स्टडी जरूरी है, स्मार्ट स्टडी इन द सेंस कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए IUPAC नाम के बारे में, तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इंक्लूडिंग साफ लिखा हुआ है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, तो उनके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इस पूरे के अंदर आपको ज़्यादा क्वेश्चन R और S बोलो नोमेनक्लेचर का आने के चांस रहते हैं, तो वो आपको तैयार करना है। आपका एरोमेटिसिटी जो है वो तो बेंजोइड नॉन बेंजोइड कंपाउंड, ये आपको तैयार करना है, बिल्कुल ये तीनों टॉपिक बिल्कुल बेसिक है, क्लियर। और उसके बाद ऑर्गेनिक जो आपका जनरेशन है, स्टेबिलिटी है, रिएक्टिविटी, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, यानी हम कह सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको तैयार करनी है, ओके, जिसने भी कभी मेरे से स्टडी किया है उनको पता है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान होता है, तो इसका मतलब हुआ शुरू की 4 यूनिट जो है वो बिल्कुल बेसिक है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद अगर अपन बात करें, उसके बाद है, ठीक है, नंबर बोलो 5th जो है उसमें आपका एडिशन है, एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्शन, रिएक्शन है, यानी आपको SN1, SN2, E1, E2, ठीक है, और उनके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद कॉमन नेम रिएक्शन और रिएजेंट, एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट है, फंक्शनल ग्रुप इंटरेक्टिव इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कॉमन कैटलिस्ट रिएजेंट, सारा स्टडी करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रिट्रोसिंथेसिस, डिसकनेक्शन सिंथेसिस, लीनियर और कन्वर्जेंट सिंथेसिस, ये स्टडी करना है, ठीक है, यानी अल्टीमेटली मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक बार पूरा ऑर्गेनिक स्टडी करके जाना है। उसके अलावा ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जो आपको क्वेश्चन देंगे, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन,
पक्का आपका एक क्वेश्चन आएगा आएगा, तैयार कर लेना है, इजीली कर सकते हो। और आपको सिंथेसिस और रिएक्टिविटी, कॉमन हीटरो साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग वन या टू हीटरो एटम्स, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर तीन है, ये भी एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यानी आपका बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, यहाँ से आपके लगभग दो क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो ये आपको सारा जितने भी ये तैयार करना है, क्लियर। तो उसके बाद जो यूवी है, एनएमआर है, ये तो आपको स्टडी करना ही है। तो दोस्तों ये पूरा हमने देखा सिलेबस, तो हमें मोटा मोटा क्या पता चला वो मैं अब एनालिसिस करने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, अगर हम थोड़ा स्ट्रेटजी बनाए यहाँ पर, ठीक है, ओके, समझना। मैंने कहा इनऑर्गेनिक, ठीक है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक टॉपिक बेसिकली क्या स्टडी करना है, फिजिकल, ठीक है, टॉपिक। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। तो अगर हम इनऑर्गेनिक में बात करें, एक तो आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये तैयार होने से डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक आपका टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ओके, एफ ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं आपको सेलेक्टिव बोलो टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद एसिड बेस, ठीक है, एसिड बेस आपको तैयार करना है, ठीक है, यानी मेनली आपको ये सब तैयार करना है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स तैयार करना है, ठीक है। और आपको मैंने कहा इनऑर्गेनिक के अंदर बेसिकली ये आपको तैयार करना है। फिजिकल के अंदर देखें केमिकल काइनेटिक, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स तैयार करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तैयार करना है, ठीक है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। फिजिकल के अंदर मोटा मोटा आपको ये टॉपिक है और जो छोटे छोटे टॉपिक मैंने आपको बताए थे, ठीक है। इसी तरह से थर्मोडायनामिक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स आपको इस लगभग ये चार टॉपिक ये 10 क्वेश्चन के आसपास आपके अप्रोच बनाएंगे। थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। और एक आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा स्टडी करना है। ऑर्गेनिक के अंदर देखें तो आपको बेसिक पूरा कंप्लीट, बेसिक के अंदर आपका नोमेनक्लेचर आ जाएगा, ठीक है, आइसोमेरिज्म आ जाएगा, और जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाएगा। उसके अलावा कंप्लीट एक बार आपको ऑर्गेनिक स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने कहा पॉलीमर स्टडी करना है, ठीक है, पॉलीमर करना है, ड्रग्स स्टडी करना है, और बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब स्टडी करना है। और इतना स्टडी करने से एक बार आपकी अप्रोच बन जाएगी, हाँ मैं 100 क्वेश्चन में से अच्छे से 60 क्वेश्चन की अप्रोच तो बना ही सकता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। स्मार्ट स्टडी करोगे तो आप कॉन्फिडेंस में रहोगे और वहाँ पर अच्छा करके आओगे, क्लियर। आई होप आपको मैंने जो बताया उसको ध्यान में रखकर आप 20 डेज अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्लियर। और मेरी एक कोशिश और रहेगी कि आपको इन डेज के अंदर मैं लगभग जो आपके सिलेबस के अंदर है उसमें से कम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका मैं आपको टेस्ट सीरीज से रोज़ एक लाइव टेस्ट करा दूं, जिससे कि आपको आपको ये पता चले कि इन टॉपिक से कैसे अप्लाइड क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। और आप कुछ भी चाहते हैं मेरे से तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आई होप आपको आज की स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेहता सर हमेशा आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छे से स्टडी करोगे तो ये जो सेट का एग्जाम होने जा रहा है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ओके, बेस्ट ऑफ लक।